हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। उस चेंज पैटर्न के हिसाब से दो बार आपके एग्जाम होने वाले हैं, टर्म वन और टर्म टू। तो टर्म वन में जो एग्जाम होने वाला है वो आपको मालूम है कि एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होने वाला है। उस एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम में असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। और एग्जाम में ये पूरे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो 10 क्वेश्चन है वो आपके 14 मार्क्स के आने वाले हैं। उनमें से 6 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, और जो 4 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। यानी टोटल मिला के 14 नंबर के असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं चैप्टर वाइज, तो मैं आपको आगे के आने वाले सारे वीडियो में कम से कम एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन निकाल के आपको देने वाला हूं। तो कुल मिला के एक चैप्टर से 80 क्वेश्चन में आपको देने वाला हूं, उसमें से आपके कोई ना कोई 10 क्वेश्चन एग्जाम में आई जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन रेगुलरली मिलते रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही उसके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर। रियल नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 180 एंड एलसीएम इज 60। वो कह रहे हैं अगर कोई दो नंबर है उसका एचसीएफ अगर 3 है और उसका जो प्रोडक्ट है यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 180 है, तो उसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, ये हमसे बोला है। ठीक है, इसका रीजन दे रखा साथ में, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स देन एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू ए इनटू बी। ठीक है, ये इसका रीजन दे रखा। तो पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी असर्शन पे चलते पहले कि असर्शन इसका करेक्ट है कि नहीं है। तो देखिए असर्शन में क्या लिखा है कि एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 3, एलसीएम अपने को कितना दे रखा है 60, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब दोनों नंबर का जो एडिशन है और मल्टीप्लीकेशन है वो कितना दे रखा है 180। ठीक है, हमने एक थ्योरम पढ़ी है, वो थ्योरम इसमें यूज करते हैं। थ्योरम है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए क्रॉस बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एचसीएफ आपको कितना दे रखा है 3, एलसीएम आपको दे रखा है 60, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दे रखा है 180। 60 का इंटोग्राम में 3 में करता हूं तो आता है 180 इक्वल टू 180। इट मीन्स इन्होंने जो 60 आंसर दे रखा है एलसीएम का वो करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन क्या हुआ, ट्रू हो गया। अब ये जो जिस फार्मूले से मैंने इसको आंसर निकाला था वो फार्मूला तो यही है, इसका मतलब जो रीजन दिया है वो करेक्ट दिया है। देखो फार्मूला ये है जिससे मैंने आंसर निकाला है, इट मीन्स इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लग रहा है, इट मीन्स ये जो रीजन है वो भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। तो इसका जो फर्स्ट आंसर देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। साथ ही ये भी है कि जिस जो असर्शन उनने दिया है वो रीजन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस रीजन जो है असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके थ्रू ही वो आंसर आया है। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हम सेकंड पे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, असर्शन क्या है इसमें कि 4 to the power n एंड्स विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, n अगर कोई नेचुरल नंबर है तो 4 to the power n, 4 की पावर n है, उसको कितनी बार भी ओपन करे, n टाइम ओपन करे, तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 आता है, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, दूसरा उसका जो रीजन दे रखा है वो एनी नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n। तो इस देखा जाए तो रीजन करेक्ट है, क्योंकि कोई भी नंबर तभी उसका लास्ट नंबर 0 आएगा जबकि उसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 और 5 के मल्टीपल में होंगे, तभी वो 0 आ सकता है, क्योंकि 2, 5 जो 10 होता है, इस टाइप से वो 0 तभी आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज करिए आपने ले लिया 20 की पावर लगा दी मैंने n, अब 20 को मैं क्या करता हूं, ब्रेक करता हूं, तो 2 into 2 into 5 में ब्रेक होगा, 2 to the 4 to the 4, 5 जो 20। ठीक है, अब ये देखिए यहां पे 2 की पावर कितनी आ रही है, यहां पे 2 की पावर 2 आ रही और 5 की पावर 1 आ रही, तो इसका मतलब 2 की पावर m into 5 की पावर n, इसी फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ही उसके लास्ट डिजिट पे 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इट मीन्स ये जो रीजन दे रखा है वो करेक्ट दे रखा है, रीजन जो है वो करेक्ट है, ट्रू है। अब असर्शन पे चलते हैं, असर्शन लिखा 4 to the power n, अब 4 को अगर ब्रेक करता हूं तो 4 को ब्रेक करने से क्या आएगा, 2 into 2, इसका मतलब 2 to the power कितनी आएगी, 2 आ गई। अब 5 तो इसमें है ही नहीं, 5 तो 0 है, मतलब 5 तो इसका फैक्टर आ ही नहीं रहा है, इट मीन्स ये इसका मतलब ये कि 4 to the power n जो है वो 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स जो उसका असर्शन दिया है वो गलत दिया है, इसका मतलब ये है कि इसका जो
इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही है, assertion A is false but reason is true, ठीक है। इसी टाइप से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है assertion denominator of 17.237 when expressed in the form of p upon q where q is not equal to 0 is the form of 2 to the power m or 5 to the power n, ठीक है। तो पहले इसी को देख लेते हैं हम, 17.237 ये क्वेश्चन है, इसका डिनोमिनेटर अभी कुछ नहीं तो मैंने 1 लगा दिया। अब मैं अगर इसको पॉइंट को रिमूव करता हूं तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा पे 1000, इट मींस अब आपके पास आ गया है 17237 अपॉन 1000। अब मैं 1000 को क्या करता हूं, इसको ब्रेक कर लेता हूं, इसका प्राइम फैक्टर कर लेता हूं, 2 से जाएगा 500, फिर 2 से 250, देन 2 125, देन 5 25, देन 5 5, देन 5 1, इट मींस यहां पे कितना आ रहा है 2 टू द पावर 3 इनटू 5 टू द पावर 3। इसका मतलब ये जो है इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इनटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला जो है करेक्ट है, मतलब assertion इसका क्या हुआ, करेक्ट हुआ। अब चलते हैं इसके रीजन में, रीजन में लिखा है कि 17.237 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कोई भी जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है वो टर्मिनेटिंग तभी होता है जबकि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो उसकी जो डिजिट्स है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि 17.237 पे क्वेश्चन एंड हो गया, इसके आगे कोई डैश नहीं लगा है, इट मींस यहां पर क्वेश्चन एंड हो रहा है, इट मींस ये पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, इसका मतलब ये भी इसका करेक्ट हुआ। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, इसका मतलब फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 13 एंड द प्रोडक्ट इज 1560 एंड देयर एलसीएम इज 120। इफ ए एंड बी ए टू पॉजिटिव नंबर देन एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू ए प्लस बी, ये दो चीजें दे रखी। पहले हम चलते हैं असर्शन पे, असर्शन पे क्या लिखा है कि एचसीएफ आपको दे रखा है 13, एलसीएम आपको दे रखा है 120 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी ए बी दे रखा है आपको कितना 1560। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो थ्योरम है उस थ्योरम को यूज करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, एलसीएम इज 120, एचसीएफ इज 13 इक्वल टू 1560, इसका इंटू अगर मैं इसमें करता हूं तो ये भी क्या आता है 1560 आता है, इक्वल टू ये हो जाएगा 1560, दोनों ही इक्वल आ रहा है, इट मींस जो इन्होंने असर्शन दिया था वो करेक्ट दिया है। अब चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं हम रीजन की, रीजन में लिखा है एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ पे ए इंटू बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया ए प्लस दे दिया, ए प्लस बी दे दिया, इट मींस ये क्या हुआ रॉन्ग हुआ। तो इसका जो रीजन है वो रॉन्ग है लेकिन असर्शन करेक्ट है, उसका कौन सा आएगा थर्ड वाला सी पॉइंट आएगा इसका, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फाइव। असर्शन क्या है, 17/30 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, 17/30 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फंक्शन फ्रैक्शन और रीजन दे रखा है क्यू इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इनटू 5 टू द पावर n वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन P अपन क्यू इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फंक्शन। तो पहले असर्शन को देख लेते हैं हम, असर्शन में लिखा 17/30, ठीक है। अब मैं 30 का क्या करता हूं, फैक्टर करता हूं, 30 का फैक्टर क्या होगा 2 2 जा 2 2 3 जा 6 6 5 जा 30, इसका मतलब 17 अपन 2 की पावर 1 भी आ गई, 5 की पावर 1 भी आ गई, लेकिन 3 भी आ रहा है यहां पे, तो 3 तो नहीं होना चाहिए, ओनली क्या होना चाहिए 5 और 2 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर उसके नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये कि जो टर्मिनल डेसिमल फंक्शन नहीं है, इसको क्या बोल देंगे रॉन्ग, इट मींस ये जो असर्शन है वो गलत है। लेकिन जो रीजन लिखा है वो सही लिखा है कि क्यू मतलब इसका डिनोमिनेटर, जैसे पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो जो क्यू है वो 2 की पावर एम इंटू 5 की पावर एन की फॉर्म में आना चाहिए तभी वो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नहीं होता है, इट मींस ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। सो द डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, ठीक है। इस तरह से हमने
5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। देखिए क्या होगा कि अगर हम ज्यादा क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 5 क्वेश्चन लेते हैं एक वीडियो में, हम 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 5 क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर के, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट 5 क्वेश्चन क्या है, तो आपको इस तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, यानी कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।